मिथुन लग्न का लग्नेश। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम मिथुन लग्न के लग्नेश का जे जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार अध्ययन करेंगे, अर्थात गोचर के अनुसार वह कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता तक, ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। जे जे पद्धति के नियमों के अनुसार जातक द्वारा पहला प्रश्न 11 से 15 मिनट के अंतराल में पूछा जाए तो उस समय मिथुन लग्न उदित होता है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध ग्रह है, इसीलिए वह अपना लग्नेश या प्रश्नेश है। बुध ग्रह के प्रभाव के अनुसार जातक का प्रश्न पड़ोसियों से संबंधित हो सकता है, यात्रा में आने वाली बाधाओं के संदर्भ में हो सकता है, या जातक विदेश में हो तो उस संदर्भ में किसी प्रश्न का वह सामना कर रहा होगा। या पुनश्च भाव से भावेश बलवान यह नियम के अनुसार लग्नेश बुध ग्रह की स्थिति को हम देखते हैं, वह कौन से स्थान पर होने से कौन से फल प्रदान करेगा, इसका अध्ययन अब हम करेंगे। प्रश्नकर्ता जब पहला प्रश्न पूछता है उस समय की हम कुंडली बनाते हैं, उस समय के गोचर के अनुसार ग्रहों की स्थिति को हम कुंडली में लिखते हैं और लग्न समय के अनुसार लेते हैं। उस अनुसार अब हम लग्नेश का स्थान के अनुसार अध्ययन करेंगे। प्रथम स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के प्रथम स्थान में विराजमान हो तो यात्रा में बड़ी बाधा आना, छोटे भाइयों के साथ कोई प्रश्न निर्माण होना, या पड़ोसियों से किसी विषय पर विवाद शुरू होना जैसे प्रश्न जातक के लिए निर्माण हो सकते हैं, इसीलिए उस दिशा से हम आगे अध्ययन कर सकते हैं। द्वितीय स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न पारिवारिक प्रॉपर्टी के संदर्भ में हो सकता है, ऐसी स्थिति में उसके अपने छोटे भाई से बंटवारे के संदर्भ में विवाद निर्माण होने की संभावना अधिक होती है। किसी भी प्रश्न को हम कुंडली के अष्टम स्थान से देखते हैं। मिथुन लग्न के अष्टम स्थान में शनि देव की मकर राशि आती है, इसीलिए यहाँ पर शनि देव की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। वे जिस राशि में विराजमान होंगे वहाँ से जातक की समस्या अधिक स्पष्ट होती है, लेकिन मुख्य रूप से यह समस्या छोटे भाई या उनके बंटवारे के संदर्भ में होने की संभावना अधिक है। तृतीय स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के तृतीय स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, विदेश की नौकरी ऐसे विषयों से संबंधित हो सकता है, अर्थात उसमें समस्या निर्माण हुई है क्योंकि लग्नेश बुध ग्रह तृतीय स्थान में विराजमान है। कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, वहाँ से समस्याओं की तीव्रता बढ़ती है, साथ ही शनि देव की स्थिति भी इन प्रश्नों की दिशा निश्चित करेगी। चतुर्थ स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो छोटे भाइयों से संबंधित प्रश्न परिवार में वार्तालाप का विषय हो सकता है। परिवार में सभी लोग मिलकर उस प्रश्न पर वार्तालाप करते हैं, साथ ही कहीं न कहीं दूरी बढ़ती है, लेकिन यह बुध ग्रह की ही दूसरी राशि होने के कारण घर में ही समस्या का समाधान मिलने की संभावना निर्माण होती है, इसलिए हम उस दृष्टि से जातक को मार्गदर्शन करना चाहिए। मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो तो यात्रा में बाधा निर्माण होना, यह विषय मुख्य रूप से सामने आता है। कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा, संतति, प्रणय से संबंधित होता है, उस अनुसार पढ़ाई के लिए कहीं यात्रा करते समय उसमें बाधा निर्माण होना,
महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि पूर्तता करते समय बाधा निर्माण होना, ऐसे प्रभाव सामने आता है। मिथुन राशि के अष्टम स्थान में शनि देव की मकर राशि आती है। अब विलंब यह शनि देव का मूल गुणधर्म है, उस अनुसार बाधा शीघ्र समाप्त नहीं होती, उसमें थोड़ा विलंब होता है। संक्षेप में शनि देव की स्थिति से हम उस प्रश्न या समस्या के गांभीर्य को देख सकते हैं। षष्ठ स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो तो वहाँ बुध के शत्रु ग्रह की राशि आती है। ऐसी स्थिति में जातक का प्रश्न नौकरी से संबंधित हो सकता है, उसमें बुध ग्रह प्राकृतिक कुंडली के तृतीय और षष्ठ स्थान का स्वामी है, जिस कारण वहाँ नौकरी, यात्रा, परदेश गमन, इन तीनों चीज़ों का संबंध आता है। विदेश में नौकरी के स्थल पर प्रश्न निर्माण होने के कारण जातक अपने देश में वापस आने की संभावना निर्माण होती है। भारत में स्थित जातकों के नौकरी से में भी प्रश्न निर्माण होते हैं और उनका गांभीर्य बढ़ जाता है। इस स्थिति का उपाय या समाधान को हम मंगल ग्रह की स्थिति से देख सकते हैं, क्योंकि जातक जब हमसे पहला प्रश्न पूछता है तब के गोचर के अनुसार हमने कुंडली में ग्रह स्थिति को लिखा है, उसमें बाधाओं की तीव्रता को हम कुंडली के अष्टम स्थान से देखते हैं और प्रश्न का उत्तर लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति के स्थान में खोजते हैं। अब तक हम लगातार मिनिट के गणित का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तास काटा अधिक उपयुक्त होता है। उससे हम काल निर्धारण कर सकते हैं, उस विभाग का अध्ययन हम आगे करेंगे। सप्तम स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान हो तो जातक का अपने छोटे भाई के साथ साझेदारी में व्यवसाय होगा। साझेदारी में समस्या निर्माण होना जीवन साथी या छोटे भाई के साथ समस्या निर्माण होने के कारण घर की शांति भंग होना इस प्रकार प्रश्न का स्वरूप होता है। साथ ही अष्टम स्थान के शनि के कारण समस्या का समाधान मिलने में विलंब होता है, जिस कारण पारिवारिक विवाद निर्माण होते हैं। अष्टम स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो तो जातक स्वयं समस्या की तीव्रता बढ़ाता है, जिस कारण नई समस्या निर्माण होती है, बाधाएं निर्माण होती है, क्योंकि कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, समस्या, परेशानी, संघर्ष को दर्शाता है। इसीलिए हमारा अध्ययन उस दिशा में होना चाहिए। नवम स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के नवम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान है तो वहाँ भी शनि देव की कुंभ राशि आती है, लेकिन बुध और शनि दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं। साथ ही मिथुन और कुंभ यह दोनों वायु तत्व की राशि होने के कारण समस्या तीव्रता से कहीं न कहीं कम होती है। समस्या का समाधान प्राप्त करने में जातक को उनके पिताजी का सहयोग मिलता है। जातक का प्रश्न यात्रा से या विदेश से संबंधित होने की संभावना अधिक रहती है, अर्थात शुक्र ग्रह की स्थिति को देखकर हम उसे निश्चित कर सकते हैं। सच कहे तो इस पद्धति में एक पूरी कुंडली प्राप्त होती है। कई बार अध्ययन करते समय ऐसा लगता है कि इस पद्धति से बनने वाली कुंडली और जातक की मूल कुंडली दोनों में एक प्राकृतिक समानता है। मूल कुंडली के कई योग उसमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं वैसे वैसे वह अधिक स्पष्ट होता है। दशम स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के दशम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न विदेश से संबंधित व्यवसाय या नौकरी के संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। मिथुन राशि प्राकृतिक कुंडली के तृतीय स्थान में आती है, जिस कारण वहाँ विदेश का संबंध आता है, व्यवसाय का संबंध आता है। साथ ही वहाँ बुध ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात व्यवसाय में बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। एकादश स्थान, मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि कुंडली के एकादश स्थान में विराजमान हो
तो वहाँ उसके शत्रु ग्रह की राशि आती है, जिस कारण भाइयों से विवाद होगा, विदेश में परेशानी होगी, लेकिन ऐसा होने पर भी उससे अंत में लाभ होते हुए दिखाई देता है। इसीलिए उस दिशा से हमारा अध्ययन या फल कथन की दिशा होनी चाहिए। द्वादश स्थान मिथुन लग्न का लग्नेश बुध ग्रह यदि द्वादश स्थान अर्थात व्यय स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न होगा कि क्या मैं नौकरी के लिए विदेश जा सकता हूँ, और उसका उत्तर होकारात्मक आएगा। अर्थात शनि या मंगल ग्रह की स्थिति को देखकर हम उसका उचित उत्तर दे सकते हैं। जब हम इस प्रकार जातक के प्रश्न के अनुसार ऐसी कुंडली बनाते हैं तो अब सभी ग्रह और योग मिलते हैं। अब हम हर ग्रह के अनुसार वह लग्नेश या प्रश्नेश होते हुए जो स्थिति निर्माण होती है उसे समझ रहे हैं, ताकि भविष्य में आपके पास कोई भी कुंडली आए या किसी भी प्रकार का जातक आपके पास आए तो आप उचित फल कथन कर सकें। उदाहरण द्वारा हमें केवल उस विषय का ज्ञान होता है, वही कुंडली पुनश्च कभी नहीं आती, अगली बार आपके पास नई कुंडली आएगी। इसीलिए कोई भी कुंडली आने पर जातक के सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सके, इसलिए आपने यह अध्ययन विस्तार से करना चाहिए। इस प्रकार मिथुन लग्न का लग्नेश कुंडली के कौन से स्थान पर होने पर कौन से फल प्रदान करेगा, कौन से प्रश्न निर्माण होंगे और उन प्रश्नों की दिशा क्या होगी, यह स्पष्ट होता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुँच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।